आप लोग W3 स्कूल्स की वेबसाइट ओपन कर दो, टॉपिक लर्न CSS, ठीक है, टाइप की डिफरेंट जो आपके तीन टाइप्स है वो बता दो, इनलाइन ये बल्कि HTML पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको इसकी क्लियर डेफिनेशन नजर आएगी। HTML की आपने बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये आपको बॉटम के ऊपर HTML CSS नजर आ रहा होगा, इस पे जब आप क्लिक करोगे ये आपको डिफाइन कर रहा है, अगर आपको कहे कि डेफिनेशंस की लो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्प्रेडशीट्स, और क्या करता है, आपने देखा होगा कल की जो लैब है उसमें आपने देखा होगा सेव्स लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एट ऑल वंस, ठीक है, ऑल एट वंस अगर आपने कंट्रोल करना हो ये बेहतरीन आपके पास ऑप्शन है CSS की। व्हाट इज CSS, व्हाट इज CSS पे आपको ये यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ ए वेब पेज, कल आपको याद है आपने बॉडी टैग के ऊपर आपने पैराग्राफ के ऊपर अपने हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 के ऊपर डिफरेंट आप जो है डेफिनेशन दे देते हो और इस तो अलग से फॉर्मेटिंग या लेआउट को आप अलग से स्टोर करते हो विद एक्सटेंशन CSS। इसमें आज आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि तीन चीजें आपको यहां पर नजर आ रही होंगी, CSS can be added to HTML document in three ways. Three ways कौन से हैं? Three ways में first way आपको जो है वो कहलाता है inline, second is internal, third one is external. तो students अब्दुल्ला मुझे ये बताओ हम लोगों ने कल जो apply किया था इसमें से कौन सा हमने approach use की थी? Inline, internal और external? Inline sir. आपको मुझे आपको बताने के लिए ये नीचे अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो ये है इनलाइन स्टाइल, कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लो, इनलाइन स्टाइल क्या होता है? विद इन ए टैग आप दे देते हो, विद इन ए एचटीएमएल की फाइल के अंदर सेपरेट की कोई जरूरत नहीं, विद इन ए फाइल एचटीएमएल की कोडिंग में आप क्या करते हो H1 अब देख रहे हो एग्जांपल में H1 रेड कलर में स्टाइल, स्टाइल के आगे जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज या वैल्यूज आप सेट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, क्या होगा इससे क्या होगा आपकी हेडिंग 1 का कलर क्या होने लगा है ब्लू, कलर क्या होने लगा है ब्लू और टेक्स्ट क्या है ये ब्लू हेडिंग, और नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ, पैराग्राफ का कलर क्या होने लगा है टेक्स्ट का कलर रेड, और पैराग्राफ पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ये रेड पैराग्राफ। अगर आप इसको देखना चाहो इसको आप कॉपी पेस्ट करके भी देख सकते हो HTML फाइल में स्टोर करके, और दूसरा ये देखिएगा यहां पे आप ये आउटकम आपको नजर आ रहा है, इसकी अगर आप प्रैक्टिस करती हो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ करनी हो तो आप यहां पे आराम से टाइप कीजिएगा, ये देखिएगा कलर ग्रीन, आप अपनी हेडिंग 1 का कलर ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो गया, कलर पर्पल रन ये पर्पल हो गया, कलर ब्राउन ये ब्राउन हो गया, कलर ब्लू ये ब्लू हो गया,